आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। 20वीं बरसी पर खान श्रमिकों को दी गई श्रद्धांजलि। धनबाद छरिया के लोदना क्षेत्र स्थित एरिया 10 अंतर्गत बागडीगी कोलियरी खान दुर्घटना की 20वीं वर्षी पर बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल भी के एम मल्लिका अर्जुन राव, जीएम सेफ्टी ए के सिंह, बागडीगी के श्रमिक और शहीदों के परिजनों ने मंगलवार 2 फरवरी 2021 को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। 2 फरवरी 2001 को 29 श्रमिकों की हुई थी जल समाधि। हादसे के वक्त बीसीसीएल के वरीय अधिकारी ने शहीदों के आश्रित को जो वादे किए थे वो वादे 20 साल बीत जाने के बाद भी पूरे नहीं हुए। मंगलवार 2 फरवरी 2021 को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे शहीद संतराज प्रसाद की पत्नी सुनीता देवी ने कहा कि बीसीसीएल के वरीय अधिकारियों ने हादसे के वक्त कहा था कि पेंशन, बच्चों की स्कूल में फ्री एजुकेशन और 9 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन नौकरी के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा कि बीसीसीएल ने शहीदों के आश्रितों को जो वादे किए उसे पूरा करें। वहीं बागडीगी कोलियरी शहीद स्मारक पहुंच बीसीसीएल के डीपी डायरेक्टर पर्सनल भी के एम मल्लिका अर्जुन ने कहा कि कोई भी खान हादसा काफी दुखद हादसा होता है, क्योंकि ऐसे हादसे में बीसीसीएल के श्रमिक ही शहीद होते हैं, जो बेहद दुखद बात है। इसलिए ऐसे हादसे को देखते हुए सभी कामगारों को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा सबसे प्रथम है, ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। आपको बता दें कि धनबाद छरिया के लोदना क्षेत्र स्थित एरिया 10 अंतर्गत बागडीगी कोलियरी में 2 फरवरी 2001 दिन शुक्रवार को प्रथम पाली में 12 नंबर पिट के सिम नंबर 7 में लगभग 80 से 90 श्रमिक कार्य करने गए थे। दिन के लगभग 11 बजे के आसपास अचानक 12 नंबर पिट से हवा का तेज झोंका चाणक के ऊपर उठा। हवा इतनी तेज थी कि चाणक के ऊपर बैठे हुकमैन और मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। हुकमैन ने मामले की जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को दी। जानकारी मिलते ही अधिकारी चाणक के समीप पहुंचे और मामले की जानकारी में जुट गए। थोड़ी ही देर में अधिकारियों को पता चल गया था कि चाणक के अंदर डैम फट गया है, जिससे खदान पूरी तरह डूब चुका है। खदान के अंदर डैम फटने की जानकारी जंगल में आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और आसपास के लोगों का हुजूम चाणक समीप उमड़ पड़ा। जो श्रमिक खदान के अंदर कार्य करने गए थे उनके परिजन भी चाणक के समीप पहुंचकर जल्द रेस्क्यू की मांग करने लगे। धनबाद से अजित कुमार की रिपोर्ट। 2002 फरवरी क्या हुआ था? बागडीगी पानी खदान आया था, पानी नहीं था। तुम्हें आपके भी जो घटना घटी तो उसके बाद जो घोषणाएं हुई थी उसमें क्या क्या मिला? उसमें तो सर कुछ नहीं मिला सर, बोल करके पैसा भी तो नहीं मिला सर। अभी तक प्रमोशन भी नहीं हुआ, प्रमोशन भी अभी तक नहीं हुआ। हम लोग दौड़ दौड़ के पड़े, अभी तक ले पेंशन के मैंने पेंशन नहीं मिल रहा सर। क्या क्या अधिकारी बोले थे उस समय? उसने तो बोले थे कि मैंने बच्चा के मतलब दिल्ली तक ले फ्री पढ़ाएंगे, वो भी नहीं। मैंने बागडीगी यहाँ जल वहाँ पर स्कूल में भी पैसा फीस लग रहा है सर। मतलब जो वादा किया था वो कुछ पूरा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं दिया सर, बोल करके हम लोग के बोला था 9 लाख रुपया देंगे, कुछ भी नहीं दिया था। अधिकारी तो हर वर्ष कहते हैं कि हमने सभी को हर चीज दे दिया है, लेकिन नहीं सर कुछ नहीं दिया। मतलब वो दिखावा है, खाली दिखावा दिया है अभी तक हमको। अब 33 साल कोल इंडिया में मेरा सेवा हो चुका है। जिस खदानों में जिस कंपनी में काम किया था वहाँ पे ऐसी दुर्घटनाएं खुश नसीब से हमको देखने नहीं मिला, लेकिन बीसीसीएल का जो कंडीशंस है, थियोलॉजिकल कंडीशंस है कंपेयर टू अदर कंपनीज डिफरेंट है, क्रिटिकल है, जिस कारण से ऐसा घटना हुआ होगा। बट ऐसी स्थिति को देखते हुए कामगारों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा सतर्क रहना जरूरी है, और सुरक्षा सबसे प्रथम
रखना होगा जिससे ऐसा घटनाएं भविष्य में ना हो। और जो इस घटनाएं में 29 कामगार भगवान को प्यारा हो गया है, उनके आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।